नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, और स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न नागर विमानन परियोजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में हेली हब बनेगा। उन्होंने बताया कि उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्जेस कम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटीज और हिसार एयरपोर्ट और करनाल के रनवे में सुधार को लेकर चर्चा हुई है। ज्योतिराजय सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुआ। कोई वैट पे भी कोई चर्चा हुई है सर? कुछ वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट का दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर, कोई हेली हब बनाने की भी आपने कोई सुझाव दिया है सर? गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्दी उसको बता देंगे। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के भी लाभ पहुँचेगी। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा से राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कुछ अपडेट है लेकर? आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई है, तो अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा हरियाणा में? क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी हरियाणा की जनता को? देखिए, आप जानते हैं कि हरियाणा जो एयर ट्रैफिक में है काफी प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं हिसार का एक जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट शुरू किया गया और अम्बाला में भी एयरपोर्ट शुरू करने की जो है चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ आज जो सिंधिया जी से मुलाकात हुई है, आपने देखा इस तरह से ये सारी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने बीते दिन से मुलाकात की है और उप मुख्यमंत्री छोटा दुष्यंत जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़े हैं। और जो हरियाणा के लिए उड़ान की संख्या बढ़ाने के लिए वैट चार्जेस कम किए जाने की बात की है। हालांकि सिंधिया ने कहा कि वे चार्जेस जो हैं कम किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ड्रोन फेस्टिवल आयोजित करने की भी बात है। जी, इसके साथ हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी और हिसार एयरपोर्ट और करनाल के रनवे में सुधार होने की भी बात कही गई है। फिलहाल राकेश गुप्ता जी से हमारा संपर्क फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा के विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर विमानन परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। तो वहीं आज पंचकुला में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी परिषद की बैठक की जा रही है। यह मीटिंग आज पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल परिसर में हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुमंत्र दिया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है उन्हें। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर का सिलसिला लगातार जारी है।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो चलिए रुक कर लेते हैं अब खबरों की ओर, जहां पर कांग्रेस की ओर से करनाल में शुरू किए गए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तंज कसा है। शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस प्रदेश में ही कहीं नहीं दिखाई दी और अब जनता के बीच झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने वालों को जवाब देना चाहिए कि विपक्ष जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान कैसे करेगा। बीजेपी का नारा है कि सेवा ही संगठन, और इसी नारे को लेकर साकार रूप देने के लिए बीजेपी ने कोरोना काल में जनता के बीच जाकर लोगों की मदद की। एलनाबाद सीट के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, कहा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एलनाबाद सीट हर हाल में बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी। पार्टी पूरे जोश के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नारे पर चल रही है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रही है, कांग्रेस किस तरीके से देखते हो? कांग्रेस तो आपने पता है कोविड की महामारी में कांग्रेस ढूंढ ही नहीं पाई, दर्शन नहीं हुए उसके। कोविड की महामारी में अगर कोई कार्यकर्ता दिखा को पार्टी दिखी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, तो दिखने का समय था कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। और अब जो है कांग्रेस तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम सेवा ही संगठन। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया। अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी, उस दिन फैसला आने की उम्मीद है। मंगलवार को लगभग 6 घंटे तक सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं। वहीं दोषी गुरमीत ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई है। गुरमीत ने 8 पेजों में दलील दी है जिसमें उसने कहा कि उसे मुंडो ब्लड प्रेशर, पथरी और देखने में दिक्कत है। उसके वकील ने कहा कि डेरे की ओर से सैकड़ों सामाजिक कार्य किए गए हैं। गुरमीत ने हिंदी में अपना बयान भेजा था जिसका कोर्ट में अंग्रेजी में अनुवाद कराकर उसे वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया जहां से उसके हस्ताक्षर कराए गए। बता दें कि गुरमीत रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई अदालत में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान वह जेल में कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही। अपडेट्स के साथ इसी पर कुलवीर दुयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि फैसला जो है अभी अदालत ने सुरक्षित रखा है, लेकिन इससे पहले जब बहस हो रही थी तो वहां पर कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम जो इस मामले में मुख्य दोषी हैं वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। यानी उन्होंने एक तो हवाला दिया अपने खराब स्वास्थ्य का, और दूसरा हवाला उन्होंने उन कामों का दिया जो गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी संस्था के जरिए करते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि डेरा सच्चा सौदा ने सामाजिक कार्यों में एक ये कहें कि पूरे देश भर में बहुत काम किया है और उनके योगदान को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं इसी की आड़ उन्होंने इसी का सहारा लेने की कोशिश की है, और इसका सहारा लेकर उन्होंने भीख जो है वो मांगी है कि उन पर उनके उनकी स्वास्थ्य और उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनके योगदान को देखते हुए सजा पर फैसला है वो सुनाया जाए, ताकि कोर्ट जो है वो कम से कम उनको सजा दे, क्योंकि वो दोषी करार दिए जा चुके हैं और अब सिर्फ उनको सजा सुनाने बाकी है। आप फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, आप तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हरहर चौपाल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सपरिवार पंचकुला में माता श्री मनसा देवी के दर्शन कर उनके चरणों में शीश नवाया। उन्होंने प्रदेश के विकास, समृद्धि, शांति और सद्भाव के लिए हवन यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मेघना, माता विधायक नैना देवी चौटाला, पिता पूर्व सांसद अजय चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला भी इस दौरान उपस्थित रहे।
पहले तो मैं तमाम देशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरीके से हर वर्ष मनसा देवी माता के इस पावन प्रांगण में नवरात्रों के इस पावन पर्व को हम मनाते हैं, मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस पावन दिवस पर दर्शन करने का मौका मिला। और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि माता रानी सभी को इसी तरीके से अपना आशीष बरसती रहे और प्रगति के पथ पर तमाम। तो चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और जीएसटी टीम आरटीए ने बाईपास पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि ट्रैक्टरों से ईंटों की ढुलाई की जा रही है और इन ट्रैक्टरों के ना तो कोई कागजात हैं और ना ही ओवरलोड, और ये ओवरलोड होकर चल रहे हैं। इसी को लेकर आज कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि जाँच के बाद कागजात में कमी पाई जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना मिली थी भी जो ईंटे के ट्रैक्टर हैं उसमें जीएसटी नहीं कटवाते और जो ओवरलोडिंग भी चलते हैं और कागज़ भी नहीं रखते, इस बिना पर आरटीओ स्टाफ के साथ व जीएसटी टीम के साथ संयुक्त टीम गठित करके आज रावल दी बाईपास पर दादरी में चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान कुल जो 13 ट्रैक्टर हैं उनको पकड़ा गया था, जिसके कागज दिखाने के बाद पूरे मिले हैं उसको फारिग किया जाएगा, जिसके कागज पूरे नहीं है उसके बारे में जीएसटी विभाग आरटीए स्टाफ। तो राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक और खुशी का मौका आ गया है, क्योंकि इंस्पेक्ट के एक बार फिर से अपने दरवाजे आगंतुक के लिए खोल दिए हैं। 15,000 वर्ग फीट में फैले रिंग के लोग वास्तविक बर्फ पर स्केटिंग के लिए मजा ले सकते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार की गरिमामयी उपस्थिति के बीच ये शुभारंभ किया गया। One sport which combines athleticism, aesthetics, music, beauty, and so I think this is one sport also where India so far has not been able to enter at the world level, and I'm sure this ice skating rink will provide the necessary training and the opportunity for our youth. also make a mark in this sport, and this skating rink will keep the memory of Mr. Ankur Bhatia alive, because he was so passionate about taking this forward, and I wish this ice skating rink and all our young people all the very best. Sir, I think for the first one of country, and this is the only one in the country. Yes. And तो नीति आयोग की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलेगा इस तरह के उनको आगे बढ़ाने के लिए, या जो इन्होंने ट्रेनिंग चार्जेज, हालांकि इन्होंने कहा है कि बहुत ही नहीं, नीति आयोग तो एक थिंक टैंक है, तो उसके पास इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती, बट मैं ज़रूर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में इसकी बात करूँगा कि जिससे कि अगर यहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। तो वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक पिछड़ी जाति के छात्र पर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल हमले में घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बदमाश हमला करने के साथ साथ बीच बीच में छात्र को पानी भी पिलाते दिख रहे हैं। वारदात 9 अक्टूबर की बताई जा रही है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में महेंद्रगढ़ पुलिस ने आधा दर्जन नामजद सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। एक आरोपी विक्की उर्फ फुकरा को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गौरव की मौत का कारण बेरहमी से हुई पिटाई ही सामने आया है। तो वहीं अंबाला शहर के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के पास एक युवक पर मंगलवार को तेज धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई थी और आज पुलिस की ओर से हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला आपसी रंजिश का था, जिसके चलते एक नाबालिग लड़के ने उज्ज्वल को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय की ओर करनाल के लिए बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया है। अभी एक और आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। आरोपी जुनाइल है, जो हत्या करने वाला है, मेन मुख्य आरोपी है,
जिसको हमने पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसको जनरल जस्टिस बोर्ड में केस किया। अभी वहाँ के देश के मुताबिक इसका कोविड वगैरह करा के इसके अभी प्रक्रिया जो पूरी हमने कर ली है और इसको अभी करनाल सुधारघर में छोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। चला सर, इनकी कोई अपनी अंदरूनी रंजिश थी, अंदरूनी रंजिश थी उसको लेकर इन्होंने अपना जो इसको दो तो चार थप्पड़ लगा दिए थे। इसने जो लड़का है उज्ज्वल जिसकी डेथ हुई है, जिसको इसने चाकू मारा है, इसको ये रंजिश थी। इसने उसी दिन का चाकू खरीद कर रख रखा था। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।